हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में लंब वृत्तीय शंकु के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का अध्ययन किया था। अब चलिए इस वीडियो में हम लंब वृत्तीय शंकु के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखें। थॉमस, देखो यहाँ नई इमारत बन रही है। हाँ मानस, देखो वो चाचा ने अभी अभी एक बोरी रेती जमीन पर उंडेली, और अगर तुम गौर से देखोगे तो पाओगे कि ये रेती जमीन पर एक शंक्वाकार कोन बना रहा है। हाँ थॉमस, ये तो सच में शंक्वाकार है। क्या तुम बता सकते हो कि एक बोरी रेती में लगभग कितनी रेती होगी? ये तो बहुत आसान है, चलो हम इसका उत्तर गणित के द्वारा खोजें। इसका मतलब है ये गणित का समय है। देखो मानस, चाचा ने जमीन पर एक बोरी रेती उंडेली है। ये रेती का ढेर शंक्वाकार है, और तुम तो जानते ही हो कि किसी भी वस्तु के द्वारा घेरी गई जगह उसके आयतन वॉल्यूम के बराबर होती है। इसका मतलब इस ढेर में जितनी रेती है, या दूसरे शब्दों में एक बोरी रेती इस शंक्वाकार रेती के ढेर के आयतन वॉल्यूम के बराबर है। मुझे शंकु के आयतन का सूत्र याद है। किसी भी लंब वृत्तीय शंकु का आयतन एक तिहाई पाई आर के वर्ग और एच का गुणनफल होता है, जहां आर शंकु के आधार की त्रिज्या और एच उसकी ऊंचाई है। लेकिन थॉमस, एक मुश्किल है। हम ये तो देख सकते हैं कि इस रेती के ढेर की ऊंचाई इसके आधार पर लंब है, इसलिए ये एक लंब वृत्तीय शंकु है, और हम इसके आधार का व्यास नापकर इसके आधार की त्रिज्या भी पता कर सकते हैं। लेकिन हम इसकी ऊंचाई नहीं नाप सकते, तो हम इसका आयतन कैसे ज्ञात कर पाएंगे? अरे क्या तुम्हें याद नहीं मानस कि किसी भी लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई L के वर्ग को हम पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह उसके आधार की त्रिज्या R और ऊंचाई H के वर्गों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अरे हाँ, और हम इस शंक्वाकार रेती के ढेर के आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई तो नाप सकते हैं। चलो मैं जल्दी से इन्हें नाप लेता हूँ। इस शंक्वाकार रेती के ढेर के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 29 सेंटीमीटर है। क्योंकि शंक्वाकार रेती के ढेर के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या 42 का आधा या 21 सेंटीमीटर होगी। चलो अब हम यहाँ क्रमशः L और R की जगह रेती के ढेर की तिर्यक ऊंचाई 29 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। देखो मानस, इस तरह से हल करके हमें इस शंक्वाकार रेती के ढेर की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर ज्ञात हो गई। अरे वाह, चलो अब मैं जल्दी से इस सूत्र में R और H की जगह क्रमशः शंक्वाकार रेती के ढेर की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर लिखकर इसे हल कर लेता हूँ। थॉमस, हमें हमारा उत्तर मिल गया। एक रेती की बोरी में 9240 सेंटीमीटर घन रेती होती है। शाबाश मानस, चलो अब हम अपनी दुनिया में लौट चलें, फिर हम तुम्हारे घर खेलने चलेंगे। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह लंब वृत्तीय शंकु के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन पर आधारित हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है।